Hallelujah, hallelujah. 29 फरवरी 2020 ईसाया का ग्रंथ अध्याय 58 पद संख्या 9 से 14 तक। यदि तुम पुकारोगे तो ईश्वर उत्तर देगा, यदि तुम दुहाई दोगे तो वह कहेगा देखो मैं प्रस्तुत हूँ। यदि तुम अपने बीच से अत्याचार दूर करोगे, किसी पर अभियोग नहीं लगाओगे और किसी की निंदा नहीं करोगे, यदि तुम भूखों को अपनी रोटी खिलाओगे और पद्दलितों को तृप्त करोगे, तो अंधकार में तुम्हारी ज्योति का उदय होगा और तुम्हारा अंधकार दिन का प्रकाश बन जाएगा। प्रभु निरंतर तुम्हारा पथ प्रदर्शन करेगा, वह मरुभूमि में भी तुम्हें तृप्त करेगा और तुम्हें शक्ति प्रदान करता रहेगा। तुम सींचे हुए उद्यान के सदृश बनोगे, जल स्रोत के सदृश जिसकी धारा कभी नहीं सूखती। तब तुम पुराने खंडरों का उद्धार करोगे और पूर्वजों की नींव पर अपना नगर बसाओगे। तुम चार दीवारी की दरारें पाटने वाले और टूटे फूटे घरों के पुनर्निर्माता कहलाओगे। यदि तुम विश्राम दिवस का नियम भंग करना छोड़ दोगे और उस पावन दिवस को कारबार नहीं करोगे, यदि तुम उसी आनंद का दिन प्रभु को अर्पित तथा प्रिय दिवस समझोगे, यदि उसके आदर में यात्रा पर नहीं जाओगे, अपना कारबार नहीं करोगे और निर्थक बातें नहीं करोगे, तो तुम्हें प्रभु का आनंद प्राप्त होगा। मैं तुम लोगों को देश के पर्वत प्रदान करूंगा और तुम्हारे पिता याकूब की विरासत में तृप्त करूंगा। यह प्रभु का कथन है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। Hallelujah, Hallelujah. संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 27 से 32 तक। इसके बाद ईसा बाहर निकले, उन्होंने लेवी नामक नाकेदार और चुंगी घर में बैठा हुआ देखा और उससे कहा मेरे पीछे चले आओ। वह उठ खड़ा हुआ और अपना सब कुछ छोड़कर ईसा के पीछे हो लिया। लेवी ने अपने यहाँ ईसा के सम्मान में एक बड़ा भोज दिया। नाकेदार और अतिथि बड़ी संख्या में उनके साथ भोजन पर बैठे। फरीसी और शास्त्री भून भुनाते और उनके शिष्यों से यह कहते थे तुम लोग नाकेदारों और पापियों के साथ क्यों खाते पीते हो। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया निरोगियों को नहीं रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। मैं धर्मियों को नहीं पापियों को पश्चाताप के लिए बुलाने आया हूँ। प्रभु का सुसमाचार। ख्रीस्त की जय। हालेलुया, हालेलुया।